कलाकृति द आर्टिपिनोर पिनोर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है इसको भी प्रेस कीजिए यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा हेलो फ्रेंड्स राधे राधे फ्रेंड्स ये देखिए मैं कितनी प्यारी सिंपल सी एक ड्रेस लेके आई हूँ जो कि लाइट पिंक और डार्क पिंक कलर से बनाई है इसका देखिए मैचिंग का मुकुट है जो कि बहुत ही प्यारा है काना जी पे पहनाया हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है और डेकोरेशन वाइज भी ये मुकुट जो है बहुत ही प्यारा है तो पहले अब हम इस ड्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो फ्लावर्स हैं इसी के साथ बने हैं अलग से मैंने इसको स्टिच नहीं किया है तो बहुत ही सिंपल है ये बनाने में ये ड्रेस और फ्रेंड्स ये वाली जो ड्रेस है आप किन्नी भी साइज के लिए बना सकते हैं तो अगर छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए भी अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहते हैं तो इजीली बना सकते हैं सिर्फ घेरा जो है वो छोटा बड़ा हो जाएगा जीरो एक नंबर के लिए एक या दो ही लाइन घेरे की बनेगी और फिर इसके बाद सीधा ये डिजाइन बन जाएगा और बड़ा घेरा बनाएंगे तो उस हिसाब से घेरे का साइज आ जाएगा तो बहुत ही इजी है ये ड्रेस यहां पे मैंने दो कलर्स में ये ड्रेस बनाई है तो मैं आपको दूसरा कलर भी बताऊंगी पहले हम इसके बाद हम मुकुट का देखते हैं तो ये मुकुट देखिए बहुत ही बनाने में इजी है आप देख सकते हैं डेकोरेशन वाइज भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है यहाँ पे हमने जो है इसको मोती से डेकोरेट किया है तो बहुत ही अच्छा लुक आ गया है और फ्रेंड्स इसका जो वीडियो है वो नेक्स्ट आएगा तो आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं इसका वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और फ्रेंड्स इस मुकुट की एक स्पेशलिटी है कि ये एक्चुअल में मुकुट नहीं है यहाँ पे हमने इसका जो बेस है वो कैप से बनाया है तो कैप में हमने कलगी जो है अटैच किए तो ये देखिए मुकुट जैसा लग रहा है तो बहुत ही प्यारा है आप इसकी वीडियो जो है जरूर देखिएगा तो ये देखिए फ्रेंड्स ये डिफरेंट कलर में बनाई है यहाँ पे मैंने व्हाइट और रेड का कॉम्बो ले लिया है मोती से इसको भी डेकोरेट किया है और इसका मुकुट भी देखिए बिल्कुल सेम बनाया जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये पहनाने में बहुत ही अच्छी लग रही है ये ड्रेस तो आपको अब आइडिया लग गया आप कौन से कलर में बनाना चाहते हैं आप दोनों कलर में भी ये ड्रेस बना सकते हैं और फ्रेंड्स हमें प्लीज राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इससे हमें पता चलता रहता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं बहुत ही जल्द ही रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी चलिए फ्रेंड्स ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे चोली बनानी होती है जो कि मैंने पांच नंबर की चोली बना ली है आपके पास जो भी लड्डू गोपाल जी का साइज है आप उस नंबर की चोली जो है पहले ही बना लेंगे मैंने यहाँ पे मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनाना बताया हुआ है तो आपके नंबर आपके पास जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी है आप उसके हिसाब से चोली बना लेंगे उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि चोली के दोनों पार्ट जो है हम कैसे ज्वाइन करेंगे यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच से मैंने ज्वाइन किया है और फिर सेंटर से हम कॉर्नर की तरफ आर्म होल की तरफ स्लिप स्टिच की हेल्प से ही कैसे जाएंगे वो भी मैंने उन्हीं वीडियो में बताया है तो आप जल्दी से पहले चोली बना लीजिए उसके बाद हम अपना काम प्रोसीड करेंगे और उस प्ले पे कैसे जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ तो चोली बनाने के लिए प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उधर मेरा चैनल का नाम है कलाकृति द दर्टिपनोर आपको उस पर क्लिक करना होगा तो आपके पास ये देखिए ऊपर जो है होम वीडियोस प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट आ गई उसको आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको सारी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी यहां पे एक प्लेलिस्ट है ये देखिए हाउ टू क्रॉश ए चोली फॉर लड्डू गोपाल आप इस इसपे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी आप उस चोली पे जाएंगे जैसे कि जीरो नंबर पांच नंबर एक नंबर मैंने पे सारी चोली जो है बता रखी सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए तो अगर आपके पांच नंबर के है तो आप पांच नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली के लिए जाएंगे उसको क्लिक करेंगे और वीडियो देख सकते हैं तो इस तरह से आप चोली बना सकते हैं चलिए फ्रेंड्स घेरा बनाएंगे अब हम चोली मैंने आपको बताई थी कि मैं आम होल की तरफ हूं कॉर्नर पे आ चुकी हूं अब घेरा कैसे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम तीन चेन लेंगे एक दो तीन ये तीन चेन मैं इसलिए लेती हूं क्योंकि ये डबल क्रोशिया की हाइट की होती है और हमें इसको एक डबल क्रोशिया ही काउंट करना है अब देखिए जो जस्ट इसके बगल वाली चेन है उसमें मैं डबल क्रोशिया डालूंगी तो डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं पहले मैं आपको बताती हूं क्रोशोक में इस तरह से दो फंदे किए अब जस्ट बगल वाली चेन में मैं क्रोशोक डाल रही हूं धागे को निकालूंगी तो देखिये तीन फंदे हो गए तीन का दो कर दूंगी और दो का एक तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया डाल लिया है और पहली ही चेन में हम ये मानेंगे कि हमारे दो डबल क्रोशिये हो गए हैं क्योंकि जो तीन चेन से बना था वो एक डबल क्रोशिया और अभी एक डबल क्रोशिया डाल लिया है तो टोटल हमारे एक ही चेन में दो बन गए हैं अब नेक्स्ट चेन में मैं डबल क्रोशिया डाल रही हूं तो देखिये नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डाला अब देखिए ये जो तीन फंदे हो जाते हैं इनके हमें स्टार्टिंग के, के दो फंदे लेंगे इस तरह से और इस तरह से कर दिया अब फिर ये बचे हुए दो फंदों को एक कर देंगे तो इस तरह से डबल क्रोशिया डाल दिया है अब मैं नेक्स्ट चेन में दो बार डालूंगी एक बार डाल दिया है इसके बाद एक बार और डालूंगी अब नेक्स्ट चेन में भी एक बार डालूंगी अब इससे नेक्स्ट चेन में दो बार डालूंगी तो ये देखिए मैं एक प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ कि पहले मैंने पहली चेन में दो बार डाले उसके बाद एक बार डाला फिर दो फिर एक फिर दो ए फिर एक अब मैं देखिए यहां पे मैंने दो डबल क्रोशिया डाल दिए अब नेक्स्ट चेन में मैं एक डालूंगी उससे नेक्स्ट चेन में मैं दो बार डबल क्रोशिया डालूंगी और ये राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट करूंगी फ्रेंड्स ये हमारे पांच नंबर के लिए ड्रेस बना रही हूं इसलिए मैंने फर्स्ट राउंड जो है इस तरह से बनाया दो एक दो एक दो एक अगर आप जीरो एक दो नंबर तक के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो घेरे में आप पहला राउंड जो है इस तरह से करिएगा कि हर चेन में दो दो डबल क्रोशे रखिएगा और सेकंड राउंड में इस तरह से कीजिएगा कि पहले दो बनाए फिर एक फिर दो फिर एक अल्टरनेट इस तरह से चलिएगा तो ये वाला जो यहां पे फर्स्ट राउंड बना रही हूं वो छोटी चोली में है वो सेकंड राउंड होगा और फर्स्ट राउंड मैंने आपको बता दिया हर चेन में दो दो बनाने हैं क्योंकि उससे क्या है घेरा जो है अच्छा लुक देगा बड़े में हम ये नहीं कर सकते हैं अगर बड़े में हमने फर्स्ट राउंड में ही दो दो डाले तो घेरे में झोल आ सकता है तो इसलिए फर्स्ट राउंड में मैं यहां पे दो फिर एक फिर दो फिर एक इस तरह से ऑल्टरनेट डालते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं तो ये देखिए फ्रेंड्स यहां पे मेरा फर्स्ट राउंड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है अब मुझे इसको ज्वाइन करना है तो देखिए जो पहला डबल क्रोशिया था वो तीन चेन से बना था उसकी थर्ड चेन में मैं क्रोशॉक डालूंगी और धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से निकाल दूंगी तो इसको हम बोलते हैं स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है अब इसके बाद देखिए हम सेकेंड राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैं फिर से तीन चेन लूंगी तो राउंड की स्टार्टिंग हमेशा हम तीन चेन लेके करते हैं और ये एक डबल क्रोशिया की हाइट की होती है अब इसके बाद देखिए इसकी जस्ट बगल वाली चेन में मैं एक डबल क्रोशिया डाल दूंगी तो ये हो गया है कि हमारा हमने एक ही चेन में दो डबल क्रोशिया डाल दिए अब नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी उससे नेक्स्ट चेन में भी एक बार डालूंगी और अब इससे नेक्स्ट चेन में दो बार डालूंगी तो इस बार दो चेन में मैं एक एक बार डालूंगी और उससे नेक्स्ट चेन में मैं दो बार डालूंगी तो ये देखिए यहां पे अब मैं एक बार डाल रही हूं इसके बाद एक बार डालूंगी तो दो चेन में एक एक बार डाल दिया अब इससे नेक्स्ट चेन में मैं दो बार डाल दूंगी तो राउंड जो है इसी तरह से मैं कंप्लीट करूंगी दो चेन में एक एक बार और उससे नेक्स्ट चेन में दो बार राउंड डाल के और ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा सेकंड राउंड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है अब मैं फिर से इसको ज्वाइन करूंगी तो जो फर्स्ट डबल क्रोशिया था वो तीन चेन से बना था उसकी थर्ड चेन में मैं इसको क्रोशा डाल रही हूं और धागे को निकाल रही हूं और सीधा इसमें से निकाल के स्लिप सिद्ध से ज्वाइन कर दिया है अब मैं थर्ड राउंड की तरफ प्रोसीड करूंगी तो इसके लिए तीन चेन लूंगी अब इसकी जस्ट बगल वाली चेन में मैं डबल क्रोशिया डाल दूंगी तो ये एक ही चेन में हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए हैं अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है तीन चेन में मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया डालना है तो देखिए पहली चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी इसके बाद दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया डाल रही हूं इसके बाद तीसरी चेन में भी एक डबल क्रोशिया डाल रही हूं और अब इससे नेक्स्ट चेन में मुझे दो बार डबल क्रोशिया डालने हैं तो एक ही चेन में मैं ये दो डबल क्रोशिया डाल दूंगी फिर से देखिए तीन चेन में अब मैं एक एक बार डालूंगी और उससे नेक्स्ट चेन में दो बार डालूंगी तो देखिए दूसरी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया तीसरी चेन में तीसरा डबल क्रोशिया अब इससे नेक्स्ट जो चेन है उसमें दो बार डालूंगी तो यही वाला पैटर्न फॉलो कर रही हूं तो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट राउंड में हमने क्या किया कि एक चेन में एक डबल क्रोशिया डाला और उससे नेक्स्ट चेन में दो बार सेकेंड राउंड में हमने क्या किया दो चेन में एक एक बार डाला और उससे नेक्स्ट चेन में दो बार <Thut> <desse> थर्ड राउंड में हम क्या कर रहे हैं तीन चेन में एक एक बार डाल रहे हैं और उससे नेक्स्ट चेन में दो बार फोर्थ राउंड में हम क्या करेंगे चार चेन में एक एक बार डालेंगे और उससे नेक्स्ट चेन में दो बार फिफ्थ राउंड में हम पांच चेन में एक एक बार डालेंगे और उससे नेक्स्ट चेन में दो बार तो इसी तरह से मैं अपना राउंड जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं तो फ्रेंड्स देखे मैंने यहां पे घेरे के पांच राउंड जो है कम्पलीट कर लिए मैं आपको काउंट करके दिखा रही हूं वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव राउंड जो है मैंने कम्प्लीट कर लिए हैं और अब ये देखिए यहां पे मैंने ये राउंड जो है कंप्लीट करके स्लिप सीट से ज्वाइन भी कर लिया है अब जो जस्ट इसके पास वाली ही चेन है उसमें मैं सिंगल क्रोशिया डाल लूंगी तो इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशिया डाल लिया है अब फ्रेंड्स मुझे यहां पे सात चेन लेनी है एक दो तीन चार पांच छ सात सात चेने ले ली है अब मैं नीचे जो है पांच चेन स्किप कर दूंगी एक दो तीन चार पांच पांच चेन के छठी चेन में मैं सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर दूंगी तो देखिए इस तरह से एक लूप ये जो है यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे अब मुझे पूरे घेरे में इसी तरह से काम करना है फिर से मैं सात चेन लूंगी एक दो तीन चार पांच छ सात अब नीचे जो है पांच चेन छोड़ के छठी चेन में सिंगल क्रोशिया कर दूंगी तो फिर से गिन रही हूं मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस चेन में सिक्स वाली चेन में मैं सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर दूंगी और इस तरह से पूरा राउंड जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा राउंड जो है कंप्लीट हो गया यहां पे देखिए मैंने इस तरह से सारे बन गए हैं राउंड के एंड में मैं आ गई हूं तो देखिए मुझे ज्वाइन कहां करना है स्लिप सिट से इसको मैं ज्वाइन करूंगी तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था उसी चेन में मैं स्लिप सीट से इसको ज्वाइन कर रही हूं तो स्लिप स्टिट से मैंने इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया है तो यहां पे इस राउंड का जो है ये पूरा खत्म होता है और यहाँ पे डार्क पिंक कलर का, का काम भी हमारा खत्म होता है अब आगे का काम हम लाइट पिंक से करेंगे बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये वाली जो चीज हमने बनाई है ये टोटल मेरी यहाँ पे फोर्टीन बनी है मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूं यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो यहां से मैंने शुरू किया टोटल फोर्टीन ये बन गए हैं ये ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो चीज है ये इवन में होना चाहिए लाइक दस हो बारह हो फोर्टीन हो सिक्सटीन हो इस तरह से ही होना चाहिए ऑड में नहीं चलेगा इलेवन थर्टीन ये सब नहीं होना चाहिए ट्वेल्व टेन फोर्टीन सिक्सटीन इस तरह से होना चाहिए तो यहां पे मेरे फोर्टीन बन गए हैं ये मैंने कैलकुलेट किस तरीके से किया देखिए यहाँ पे मुझे पांच चेन छोड़ के छठी चेन में सिंगल क्रोशिया डालना था तो यहाँ पे मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था मेरे पास यहाँ पे करीब 83 थ्री चेन्स थी 82 83 के करीब थी चेन्स तो मैंने यहाँ पे पहले डिवाइड कर लिया था कि 6 14 या 84 होते हैं तो करीब मेरे 14 यहाँ पे लूप बन जाएंगे और मुझे हर सिक्स चेन में ये डालना होगा तो यहाँ पे देखिये मेरा एक चेन की गड़बड़ आई थी तो यहां पे मैंने कहीं पे पांच चेनी पांच चेन स्किप ना करके चार चेन, चेन स्किप करके पांचवी चेन में ही डाल दिया था तो इससे जो है मेरी एक चेन जो कम थी वो सही से इस तरह से आ गई इस तरह से अगर आपकी दो चेन कम रहे तो आप दो जगह इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा और आपको ये लूप जो है क्रिएट करने होंगे अब इसके बाद हमें ऊन चेंज करनी है लाइट पिंक कलर की तो देखिए लाइट पिंक कलर की ऊन है इससे अब मैं आगे का काम शुरू करूंगी तो फ्रेंड्स अब हम लाइट पिंक कलर का धागा जो है इसमें जोड़ लेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने एक चेन ले लूंगी तो ये लाइट पिंक कलर का धागा जो है इसमें ऐड हो गया अब डार्क पिंक कलर का जो ऊन थी वो मैं टाइट कर लूंगी अब फ्रेंड्स हमें ये जो लूप हमने बनाया है इसमें हमें काम करना है तो ये सेवन चेन का जो लूप बनाया था इसमें हमें नो सिंगल क्रोशिया डालने हैं तो देखिये पहला सिंगल क्रोशिया डाल रही हूं इस तरह से नो सिंगल क्रोशिया डालती जाऊंगी दो डाल लिए हैं तीन हो गए हैं चार हो गए नाइन सिंगल क्रोशिया डालूंगी तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस लूप में नो सिंगल क्रोशिया डाल दिए है अब देखिए हमने जो नीचे सिंगल क्रोशिया डाला हुआ है उसकी चेन में ये देखिए ध्यान से देखिए मैं उसकी चेन में सिंगल क्रोशिया डाल रही हूं तो ये उसकी चेन में सिंगल क्रोशिया डाल दिए अब फिर से मेरे पास लूप आ गया लूप में मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी फिर से नाइन सिंगल क्रोशिया डालूंगी दो हो गए हैं तो देखिए आठ डाल लिया अब एक और डाल रही हूं तो टोटल तो इस लूप में मेरे नौ सिंगल क्रोशिया हो गए हैं अब नीचे जो है सिंगल क्रोशिया डाला हुआ था उसकी चेन में मुझे सिंगल क्रोशिया डालना है तो ये ध्यान रखिएगा अब फिर से लूप में मुझे नौ सिंगल क्रोशिया डालने हैं इस तरह से पूरे लूप का जो वर्क है पूरे राउंड का वर्क कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूं तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट होता है लाइट पिंक का जो ये राउंड का वर्क था मैंने कंप्लीट कर दिया है अब मुझे इसको ज्वाइन करना है स्लिप सीट से तो देखिए कैसे कर रही हूं जो पिंक कलर का लाइट पिंक कलर का जो फर्स्ट स्टिच है फर्स्ट चेन है उसमें मैं इसको स्लिप सीट से ज्वाइन कर रही हूं तो यहां पर हमारा ये राउंड जो है कंप्लीट हो गया है बिल्कुल अब इसके बाद देखिये नेक्स्ट राउंड हम कैसे प्रोसीड करेंगे सबसे पहले मैं एट चेन्स लूंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट चेन लेने के बाद फ्रेंड्स हमें एक कॉम्प्लेक्स स्टिच बनाना है वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूं तो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स स्टिच कैसे बनाएंगे देखिए देखिये हुक में मेरे एक ही फंदा है इसको मैं टोटल पांच फंदे बना लूंगी तो कैसे कर रही हूं दो फंदे हो गए तीन हो गए चार हो गए हैं और ये पांच हो गए तो हुक में मुझे टोटल फाइव फंदे जो हैं कर लेने हैं ध्यान रखिए मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से मेरे ये पांच फंदे हो गए हैं अब फ्रेंड्स हमें इसको ज्वाइन कहां करना है देखिए घेरे को अच्छे से देखिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये जो लूप हम जहां पे ज्वाइन करते हैं तो उसकी जो सिंगल क्रोशे जहां से हमने ज्वाइन किया है देखिए लाइट पिंक कलर से हम जो ज्वाइन करते हैं लूप क्रिएट कर रहे थे उसके सिंगल क्रोशे की चेन में मुझे यहां पे क्रोशोक डालना है धागे को निकालूंगी तो हुक में मेरे पास टोटल छह फंदे हो जाएंगे तो यहां पे टोटल छह फंदे हो गए अब शुरू के दो फंदों को मैं लूंगी और इस तरह से निकाल दूंगी तो पांच फंदे रह जाएंगे फिर से मैं दो फंदों को लूंगी तो चार फंदे रह जाएंगे फिर से लूंगी तो दो तीन फंदे रह जाएंगे फिर से लूंगी तो अब दो फंदे रह जाएंगे ये दो फंदे हमें छोड़ देने हैं तो यहां पे देखिए पहले हमारे पांच फंदे हो गए थे फिर हमने चेन में से निकाला था तो छ फंदे हो गए थे छह के पांच के पांच के चार चार का तीन तीन का दो अब क्रोशे हुक में हमारे पास दो फंदे बच गए हैं अब फ्रेंड्स क्रोशे हुक में दो फंदे हो गए हैं अब हमें दो फंदे और बढ़ाने हैं तो टोटल चार फंदे हो जाएंगे तो देखिए मैं फंदे बढ़ा रही हूं लूप पर इस तरह से लूंगी तीन हो गए और ये टोटल चार हो गए तो दो फंदे थे दो फंदे और कर लिए तो चार फंदे हो गए अब फ्रेंड्स हमें कहां से क्रोशे हुक निकालना है तो ये जो हमने एक लंबी सी अभी लाइन क्रिएट की थी उसका जो पहला ये बना हुआ है इसमें से ये ध्यान रखिए देखिए मैं कहां से ले रही हूं ये जो पहली चेन बन गई थी इसकी इसके दोनों फंदों को क्रोशियोक से निकाल रही हूं इस तरह से और यहां से धागा लूंगी तो अब देखिए क्रोशयोग में पांच फंदे हो गए हैं अब पांच का पहले शुरू वाले दो फंदे लेके चार कर लूंगी चार का तीन कर लूंगी और यहां पर मेरे तीन फंदे ही रह जाएंगे तो इस तरह से तीन फंदे हो गए हैं अब फिर से मैं दो फंदे इंक्रीज करूंगी अब फिर से उसी में जहां पे पहले मैंने किया था जो फर्स्ट चेन का बना हुआ है उसी में मैं फिर से क्रोशोक डालूंगी इसके दोनों फंदे मैं उठा लूंगी तो इस तरह से दोनों फंदे उठा लिए धागे को निकाल रही हूं तो यहां पे देखिए फंदे जो है मेरे पास टोटल छे फंदे हो गए हैं छे का पहले पांच करूंगी पांच का चार कर लूंगी अब ये चार फंदे मेरे जो है रहने चाहिए अब इसके बाद फिर से मैं दो फंदे इंक्रीज करूंगी अब फ्रेंड्स फिर से मैं चार फंदों के छह फंदे कर लूंगी तो दो फंदे इंक्रीज किए टोटल छह फंदे हो गए फिर से नीचे उसी वाली चेन में दो फंदे ये उठा लूंगी फर्स्ट वाला जो लूप बना था फर्स्ट वाला जो ये बना था इसके दोनों फंदे उठा लूंगी धागे को निकालूंगी अब मेरे पास सात फंदे हो गए हैं मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये सेवन फंदे हो गए सात फंदों का छह करूंगी और छह फंदों का पांच कर लूंगी तो ये टोटल अब मेरे पास पांच फंदे रह गए हैं अब इनको मैं एक साथ धागे से निकाल लूंगी एक साथ इस तरह से निकाल के एक चेन ले लूंगी तो ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स स्टिच जो है बनके तैयार हो गया है तो फ्रेंड्स वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा ये कॉम्प्लेक्स स्टिच देखिए हमारा बन गया है इस तरह से यहां पे देखिए मेरे चार लूप बन गए इस कॉम्प्लेक्स स्टिच में आपको काउंट करके दिखा रही हूं वन टू थ्री और ये फोर फोर कॉम्प्लेक्स स्टिच जो है मेरे बन गए हैं अब फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करेंगे फिर से हम आठ चेन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब हमें इसको कहां जोड़ना है फिर से मैं आपको बताती हूं तो देखिए जो लूप है ये जो लूप की ज्वाइनिंग थी उसका जो हम सिंगल क्रोशे की चेन लेते हैं सिंगल क्रोशे तो चेन बनती है उसमें मैं इसको सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर रही हूं तो इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है अब फिर से आठ चेन लूंगी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ अब फिर से मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स स्टिच बनाना है तो सबसे पहले मैं यहां पे पांच लूप बना लूंगी एक लूप ऑलरेडी था दो हो गए हैं तीन हो गए चार हो गए पांच पांच फंदे हो गए हैं तो देखिए मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूं वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव फंदे जो हैं हो गए हैं अब देखिए यहां पर मुझे नेक्स्ट स्टिच में लेके जाना है नेक्स्ट स्टिच में फ्रेंड्स इसी स्टिच में नहीं करना है अब मुझे अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा मुझे नेक्स्ट स्टिच में करना है तो यहां पे देखिए नेक्स्ट स्टिच जो था जो जहां पे लूप हमने बनाया था उसकी सिंगल क्रोशिया की चेन में मैं क्रोशियोग डाल रही हूं धागे को निकाल रही हूं तो ये टोटल छ पंदे हो जाएंगे अब छ का पहले मैं पांच करूंगी पांच का चार करूंगी चार का तीन करूंगी तीन का दो करूंगी तो यहां पे इस तरह से मेरे पास दो फंदे रह जाएंगे अब मैं दो फंदे इंक्रीज कर लूंगी तो टोटल ये मेरे पास चार फंदे हो गए हैं तो फ्रेंड्स अब ये चार फंदे होने के बाद अब ये मैं कॉम्प्लेक्स स्टिच फिर से बना रही हूं इसलिए मैंने पांच लूप पहले लिए थे और अब ये चार फंदे हो गए हैं अब देखिये जो इस जो ये पहला हमने लंबी सी चीज बनाई है इसका जो पहला स्टिच है उसकी दो ये जो दो फंदे हैं दोनों के दोनों फंदे मैं उठा लूंगी धागे को निकालूंगी तो अभी देखे पांच हो गए हैं पांच का चार करूंगी शुरू के दो फंदे ले रही हूं अब फिर से शुरू के दो फंदे लूंगी चार का तीन कर दूंगी तो ये तीन फंदे मेरे क्रोशियोक में रहेंगे अब मैं दो फंदे और इंक्रीज कर दूंगी तो उसी तरह से सेम वे में मैं बना रही हूं फिर से मैं पहले वाले इसमें डालूंगी धागे को निकालूंगी तो ये मेरे पास टोटल छह फंदे हो गए छह का पांच करूंगी पांच का चार कर दूंगी अब मैं दो फंदे इंक्रीज कर दूंगी छह फंदे हो गए हैं अब फिर से मैं उसी में डालूंगी नीचे तो ये सात फंदे हो गए हैं, सात के छह करूंगी और छह के पांच तो अब देखिए क्रोशियोक में मेरे पास पांच फंदे हैं, मैं काउंट करके आपको दिखा रही हूं वन टू थ्री फोर फाइव ये पांचों फंदों को मैं एक साथ निकाल लूंगी और एक चेन ले लूंगी तो इस तरह से ये वाला कॉम्प्लेक्स स्टिच भी बनके तैयार हो गया है तो ये देखिए फ्रेंड्स ये एक कॉम्प्लेक्स स्टिच बन गया है इसके बाद ये वाला एक कॉम्प्लेक्स स्टिच बन गया है तो यहां पे देखिए इसमें पूरे में एक फ्लावर बन जाएगा फिर इधर एक फ्लावर बनेगा फिर इधर एक फ्लावर बनेगा तो कॉम्प्लेक्स स्टिच जो है हर इस लूप में नहीं बनेगा ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स स्टिच बनाया यहाँ पे हमने सीधा इसको सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर दिया फिर यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स स्टिच बनाया अब मैं आठ चेन लूंगी और इसमें ज्वाइन कर दूंगी फिर मैं आठ स्टिच लूंगी और कॉम्प्लेक्स स्टिच बनाऊंगी और फिर मैं आठ स्टिच लूंगी इसमें डायरेक्ट ज्वाइन कर दूंगी फिर मैं आठ स्टिच लूंगी और फिर इसमें यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स स्टिच जो है बना दूंगी तो इस तरह से ये वाली जो चीजें हैं हमें एक छोड़ के एक बार बनानी है तो टोटल तो ये वाली जो चीजें हमारे पास सेवन बनेगी क्योंकि टोटल फोर्टीन लूप्स हैं एक एक लूप हम छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे सेवन ये जो चीजें हैं कॉम्प्लेक्स स्टिच ये सेवन बनेंगे और सेवन ही फ्लावर्स बनेंगे तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ड्रेस में हमारे सेवन फ्लावर्स बनेंगे अगर ये हमारे पास दस लूप होते छोटी ड्रेस होती और लूप दस होते तो हमारे फ्लावर्स जो है पांच बनते तो अब मैं ये पूरा राउंड जो है यहाँ पे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड जो है हमारा कंप्लीट हो गया है और वर्क जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है अब इसके बाद देखिए राउंड को हमें बस ज्वाइन करना रह गया है तो हम कैसे करेंगे यहां पे देखिए जो फर्स्ट स्टिच था जो ज्वाइन करते हैं जहां पे हम स्टार्ट किया था वहां पे उसकी चेन में हम स्लिप सिद्ध से इसको ज्वाइन कर देंगे अब हमें लूप के अंदर एंटर करना है ये जो लूप बना हुआ है इसमें हम टोटल नो सिंगल क्रोशिया डालेंगे तो डायरेक्ट लूप में कर रहे हैं कोई चेन में नहीं कर रहे हैं तो लूप में हम नो सिंगल क्रोशिया डाल देंगे ये तीन हो गए हैं चार पांच तो देखिये नो सिंगल क्रोशिया डाल दिए अब फ्रेंड्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टिच आ गया है कॉम्प्लेक्स स्टिच की हमारा जो ऊपर एक जस्ट ऊपर एक चेन है उसमें हम डालेंगे तो ऊपर एक ही चेन है उसके कॉम्प्लेक्स स्टिच के उस चेन में हम यहां पे तो यहां पे हमें ये स्लिप स्टिच करना है तो धागे को डायरेक्ट निकाल दूंगी तो ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स स्टिच के ऊपर जो एक टिप पे एक स्टिच थी कॉम्प्लेक्स स्टिच के ऊपर जो टिप है उस उसपे यहाँ पे एक चेन थी उसमें मैंने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया है अब फ्रेंड्स हमें यहां आने के बाद हमें क्या करना है जो ये कॉम्प्लेक्स स्टिच था इसमें हमारे यहाँ पे देखिए चार लूप बने हुए हैं वन टू थ्री फोर तो अब इस लूप में हमें काम करना है तो सबसे पहले हम ये जो लेफ्ट साइड का लूप है इसमें काम करेंगे यहाँ पे हम काम करेंगे नो सिंगल क्रोशिया डालेंगे फिर ये जो राइट साइड में जो फर्स्ट लूप है उसमें हम काम करेंगे यहां पे भी हम नो सिंगल क्रोशिया डालेंगे फिर जो लेफ्ट साइड का ये जो सेकंड स्टिच है इसमें हम काम करेंगे और इसमें हम सात सिंगल क्रोशिया डालेंगे और फिर ये वाला जो लूप है जो बच गया एक लूप उसमें भी हम काम करेंगे और सात सिंगल क्रोशिया डालेंगे तो ध्यान रखिए हमें कैसे काम करना है सबसे पहले इस वाले लूप में काम करना है फिर इस वाले लूप में काम करना है फिर इस वाले में फिर इस वाले में तो इस तरह से अब यहां पे हम काम करेंगे वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूं तो फ्रेंड्स हम जो ये कॉम्प्लेक्स चीज है उसके फर्स्ट लूप में काम करेंगे तो हम वर्क को थोड़ा सा घुमाएंगे इस तरह से फर्स्ट जो लूप है उसको पकड़ लेंगे और अब अब हम उसमें क्रोशोक डालेंगे धागे को निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे तो इस तरह से फर्स्ट सिंगल क्रोशिया कर दिया है इस लूप में हम नो सिंगल क्रोशिया करेंगे तो दो हो गए हैं टोटल नाइन सिंगल क्रोशिया करके मैं आपको दिखाती हूं तो अब फ्रेंड्स देखिए इस वाले लूप में मैंने नो सिंगल क्रोशिया डाल दिए अब वर्क को थोड़ा सा घुमाना है अब जो उसके एकदम अपोजिट वाला लूप है उसको मैं पकड़ रही हूं और उसमें भी मैं नो सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी तो पहला इस लूप में सिंगल क्रोशिया डाल दिया है इस तरह से इसमें भी मैं नो सिंगल क्रोशिया डाल के आपको दिखाती हूं तो फ्रेंड्स इस लूप में भी मैंने नो सिंगल क्रोशिया डाल दिए अब देखिए नीचे बीच में मेरे पास दो मिडल में लूप रह गए तो ये जो दूसरा अपोजिट साइड में जो लूप है उसको मैं पकड़ूंगी और उसमें भी मैं वर्क को पहले मैं घुमाऊंगी पूरे वर्क को जो है मैं घुमाऊंगी तो अब इस लूप में मैं सेवन सिंगल क्रोशिया डालूंगी एक दो तीन चार पांच सात। अब मैं वर्क को घुमा लूंगी अब जो बचा हुआ है एक लूप उसमें भी मैं सेवन सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी तो यहां पे भी मैं सेवन सिंगल क्रोशिया डालूंगी एक दो इस तरह से मैं सेवन सिंगल क्रोशिया डाल के आपको दिखाती हूं तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सेवन सिंगल क्रोशिया डाल दी है अब इसके बाद देखिए लूप जो है ये जो कॉम्प्लेक्स स्टिच था कुछ इस तरह से दिख रहा है तो आप देख सकते हैं अब ये जो स्पाइरल बन गया है ये एक स्पाइरल बन जाएगा इसमें ही हमें फिर से वर्क करना है तो पहले हम एक चेन लेंगे और अब हम रिवर्स में जाएंगे बिल्कुल इसके तो फ्रेंड्स फिर से मुझे जो है स्पाइरल में काम करना है तो मैं इस तरह से रिवर्स में चलूंगी तो वर्क को जो है मैं घुमाऊंगी उल्टा काम करूंगी अब मैं पूरा अब सबसे पहले मैं एक चेन ले लूंगी जो कि मैंने ऑलरेडी ले ली थी अब देखिए एक चेन लेने के बाद जो मैंने सिंगल क्रोशिया लिए थे सेवन उसमें मैं सेवन बार सिंगल क्रोशिया डालूंगी तो हर चेन में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया डाल रही हूं एक सिंगल क्रोशिया जो फर्स्ट लूप के सेवन जो थे इसमें सिंगल क्रोशिया इसी में डाल रही हूं सेवन सिंगल सेवन चेन में सेवन सिंगल क्रोशिया डालूंगी दो हो गए हैं तीन हो गए हैं तो देखिये इस स्पाइरल में मैंने फर्स्ट लूप के जो सात चेन थी उसमें सात सिंगल क्रोशिया डाल दिए अब सेकेंड लूप में भी सात चेन है तो उसकी छह चेन में मैं छह सिंगल क्रोशिया डालूंगी पहले तो देखिए पहले चेन में पहला सिंगल क्रोशिया डाल रही हूं सेकंड चेन में डाल रही हूं सिंगल क्रोशिया तो छह चेन्स में इसमें डालूंगी सातवीं चेन में अभी सिंगल क्रोशिया नहीं डालूंगी अब फ्रेंड्स सेवेंथ चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी हाफ डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं क्रोशियोक में दो फंदे करूंगी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी धागे को निकालूंगी तो तीन फंदे होंगे तीन का डायरेक्ट एक कर दूंगी तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया है हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया में यही फर्क होता है कि हाफ डबल क्रोशिया में तीन का एक करते हैं और डबल क्रोशिया में तीन का दो दो का एक करते हैं अब फ्रेंड्स नेक्स्ट चेन में जाऊंगी ये थर्ड पैटर्न वाली चेन्स आ गई है उसमें मैं कैसे करूंगी कि पहली चेन में मैं एक हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी का एक कर दिया और इसी चेन में मैं एक डबल क्रोशिया भी डालूंगी थोड़ा लूज रखेंगे फ्रेंड्स इसमें हम अब फ्रेंड्स नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी अब सारा हमें डबल क्रोशिया डालने पर कैसे डालने ऑल्टरनेट चलेंगे अभी एक डबल क्रोशिया डाले अब नेक्स्ट चेन में दो बार डालूंगी थोड़ा लूज रखेंगे हम अपने काम को दो डालूंगी इसमें इसी चेन में दो बार डालूंगी अब उससे नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी फिर उससे नेक्स्ट चेन में दो बार डालूंगी फिर एक बार डालूंगी फिर दो बार तो सब में हम अब डबल क्रोशिया डालते जा रहे हैं और अल्टरनेट चलेगा एक चेन में एक बार फिर नेक्स्ट चेन में दो बार फिर एक बार फिर दो बार और इसी तरह से हम एक स्पाइरल जो है कंप्लीट करेंगे स्पाइरल की हम लास्ट चेन जो है छोड़ देंगे पूरा स्पाइरल कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूं तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने स्पाइरल को कंप्लीट कर दिया है एक चेन जो है मैंने छोड़ दी है उस लास्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे तो जो बची हुई एक चेन है उसमें मैंने हाफ डबल क्रोशिया डाल दिया है और ये जो थ्री डी फ्लार है हमारा बनके तैयार हो गया है तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा तो ये देखिए फ्रेंड्स ड्रेस में वो ये कुछ इस तरह से दिखेगा तो यहां पे ये फ्लावर जो है अब हमारा बन गया है अब हम आगे का वर्क जो है प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स देखिए जो फ्लावर है इसके साइड में दो लूप हैं एक तो यहां वाली साइड पे है और एक इस साइड पे लूप है तो यहां पे देखिए जो हमारा राइट साइड में जो लूप है उसमें हमने ऑलरेडी वर्क किया था नो सिंगल क्रोशिया डाले थे अब जो इस वाला लूप ये वाला जो लूप है इसमें हम काम करेंगे तो हम कैसे करेंगे बैक साइड में जाएंगे और यहां पे इस लूप को हम पकड़ेंगे और नो सिंगल क्रोशिया इस लूप में भी डालेंगे तो देखिए एक सिंगल क्रोशिया हो गया है ये दूसरा है इस तरह से इस लूप में भी मैं टोटल नो सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी और फिर आपको दिखाती हूं तो ये देखिए फ्रेंड्स इस लूप में मैंने नो सिंगल क्रोशिय डाल दिए हैं अब एक चेन लूंगी और वर्क को उल्टा कर दूंगी अब देखिए उल्टी साइड हमें वर्क करना है तो ये जो नो सिंगल क्रोशिये डाले थे अभी हमने उसकी नो चेन्स बन गई है तो इन नो चेन्स को हम कैसे कवर करेंगे देखिए पहली चेन में सिंगल क्रोशिया डालूंगी दूसरी चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी चौथी और पांचवी चेन में दो दो डबल क्रोशिया डालूंगी तो चौथी चेन में दो बार डबल क्रोशिया डाल रही हूं एक और इसी चेन में फिर से डाल रही हूं तो चौथी चेन में दो बार डाल दिया पांचवी चेन में भी दो बार डबल क्रोशिया डालूंगी तो पांचवी चेन में दो बार डबल क्रोशिया डाल दिए अब सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ इन चारों चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया डालूंगी तो इसमें एक बार डाल रही हूं नेक्स्ट में भी एक बार डालूंगी उससे नेक्स्ट में भी और नाइन्थ चेन में भी एक बार डाल के आपको दिखाती हूं तो देखिए यहां पे इस लूप में हमने एक वर्क जो है कंप्लीट कर दी है अब जो जस्ट इसके बगल वाला लूप है उसमें जाएंगे कोई भी बीच में जो एक चेन है उसमें नहीं काम करना है जो लूप के नो सिंगल क्रोशिया डाले थे उसमें हम काम करेंगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न से करेंगे एकदम रिवर्स पैटर्न में करेंगे तो फर्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी सॉरी गलत डाल दिया सिंगल क्रोशिया फर्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस में काम करेंगे फर्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डाल रही हूं सॉरी फ्रेंड्स ये हाफ डबल क्रोशिया गलती से हो गया फर्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डाल रही हूं सेकेंड चेन में भी डबल क्रोशिया डालूंगी थर्ड चेन में भी डबल क्रोशिया डालूंगी फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी तो बिल्कुल रिवर्स पैटर्न में काम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इस बार चार चेन में डबल क्रोशिया आ उसके बाद फिफ्थ और सिक्स चेन में दो दो डबल क्रोशिया डालूंगी सेवेंथ चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी एट्थ चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी और नाइन्थ चेन में सिंगल क्रोशिया डालूंगी और ये काम कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ अब फ्रेंड्स इसमें नो की नो चेन्स मैंने कंप्लीट कर दी है अब एक चेन लूंगी वर्क को रोटेट करूंगी तो अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे हम इस तरफ हैं अभी अब हमें वर्क करते हुए इस तरह से यहां पे पूरा वर्क करेंगे और हम यहां पे आ जाएंगे तो ये पूरा एक फ्लावर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम आगे की तरफ जो है अगला फ्लावर बनाएंगे तो इस तरह से करेंगे तो अब हमें वर्क कैसे करना है देखिए मैंने चेन ले ली थी अब मुझे फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है सिंगल क्रोशिया डालूंगी सेकेंड चेन में मुझे हाफ डबल क्रोशिया डालना है और थर्ड चेन में मुझे दो बार डबल क्रोशिया डालने हैं। तो यहां पे मैं दो बार डबल क्रोशिया डालूंगी एक बार डाल लिया है दूसरी बार भी डाल दिया है अब मैं आगे का सारा काम डबल क्रोशिया से करूंगी तो देखिए नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी उससे नेक्स्ट चेन में भी एक डालूंगी और उससे नेक्स्ट चेन में दो बार डालूंगी तो अब मैं इस वाली चेन में दो बार डालूंगी फिर मैं करूंगी नेक्स्ट चेन में एक बार फिर नेक्स्ट चेन में एक बार फिर उससे नेक्स्ट चेन में दो बार तो इस तरह से ये पूरा ये जो फर्स्ट लूप है ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी पर इसकी दो चेन्स जो है मुझे छोड़ देनी है तो यहां पे मैं क्या कर रही हूँ दो चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया डाल रही हूँ और उससे नेक्स्ट चेन में दो बार तो ये पूरा लूप कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए फर्स्ट लूप जो है मैंने कंप्लीट कर दी है फ्लार का अब मेरी दो चेन्स बच गई हैं जो कि मैंने आपको बोला था तो इसकी दो चेन्स जो बची हैं उसकी मतलब नेक्स्ट चेन में अब मैं एक डबल क्रोशिया डालूंगी पहले इसी में मैं ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी अब इसी चेन में तो ट्रिपल क्रोशिया कैसे डालते हैं देखिए क्रोशियो में दो फंदे इस तरह से किए टोटल मेरे तीन फंदे हो गए हैं अब मैं इसी चेन में डालूंगी जिसमें मैंने अभी डबल क्रोशिया डाला था तो धागे को निकाला तो देखिये चार फंदे हो गए हैं अब मैं चार का तीन करूंगी तीन का दो करूंगी दो का एक तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया मैंने डाल दिया है अब नेक्स्ट चेन में मैं फोर्थ क्रोशिया डालूंगी फोर्थ क्रोशिया कैसे डालते हैं क्रोशोक में चार फंदे कर लूंगी तो ये देखिए इस बार चार फंदे कर लिए अब नेक्स्ट चेन में मैं क्रोशोक डालूंगी धागे को निकालूंगी तो यहां पे मेरे पास पांच फंदे हो जाएंगे शुरू के दो फंदे अब मैं लूंगी पांच का चार कर दूंगी अब फिर से दो फंदे लूंगी चार का तीन फंदे हो गए तीन का दो हो जाएंगे और दो का एक हो जाएगा तो इस तरह से फोर्थ क्रोशिया मैंने डाल दिया है ये थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गया मैं फिर से डाल के दिखाती हूं चार फंदे लूंगी एक दो तीन चार अब मैं अगली चेन में डाल रही हूं धागे को निकाला पांच फंदे हो गए पांच का चार करूंगी चार का तीन करूंगी तीन का दो करूंगी और दो का एक तो इस तरह से फोर्थ क्रोशिया हो गया है तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ये वाला जो लूप है कंप्लीट हो गया है अब आगे वाला जो लूप है इसमें काम करूंगी सेम तरीके से काम करूंगी तो देखिए कैसे करूंगी बिल्कुल रिवर्स चलूंगी तो सबसे पहले मैं फोर्थ क्रोशिया ही डालूंगी चार फंदे किए और नेक्स्ट चेन में क्रोश डाला तो पांच फंदे हो गए पांच का चार करूंगी चार का तीन करूंगी तीन का दो करूंगी और दो का एक अब नेक्स्ट चेन में मैं ट्रिपल क्रोशिया और डबल क्रोशिया दोनों एक साथ डालूंगी तो तीन फंदे किए नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया डाल रही हूं तीन का दो दो का एक अब इसी में मैं डबल क्रोशिया भी डालूंगी अब फ्रेंड्स बिल्कुल रिवर्स चलना है तो नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया आएंगे मेरे इसी में एक और डाल दूंगी अब दो दो बार एक एक डालूंगी दो चेन में एक एक डबल क्रोशिया डालूंगी तो एक बार डाला अब नेक्स्ट चेन में एक बार अब इससे नेक्स्ट चेन में दो बार डालूंगी फिर दो बार फिर दो चेन में एक एक बार डालूंगी ये एक बार डालूंगी और नेक्स्ट चेन में भी एक बार डाल दूंगी फिर इससे नेक्स्ट चेन में दो बार डालूंगी अब फ्रेंड्स देखिए मेरे यहां पे वन टू थ्री टू ही चेन्स बाकी है क्योंकि ये वाली जो एक चेन है वो तो मेरी मैंने जो स्टार्टिंग में चेन ली थी वो बच गई है तो अब इसके बाद में दो ही चेन बाकी है तो लास्ट की दो चेन हमें कैसे करनी थी पहले मैं डबल क्रोश, हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी लास्ट सेकेंड चेन में और लास्ट चेन में मैं सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी तो लास्ट की दो चेन हमें हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया से कवर करनी है और ये लूप जो है इस तरह से ये वाला भी कंप्लीट हो गया है अब देखिए फ्रेंड्स ये पैटर्न जो है कंप्लीट हो गई है अब यहाँ पे देखिए हमें इस पेटल को ज्वाइन करना है तो नीचे जो हम लूप का एंड करते हैं और वहां पे सिंगल क्रोशिया कर रहे थे उसकी चेन में मैं तो ये देखिए उसकी चेन में मैं स्लिप सीट से इसको ज्वाइन करू कर रही हूं तो यहां पे मैंने स्लिप सीट से इसको ज्वाइन कर दिया है अब जो है सेकेंड लूप पे आएंगे और यहां पर फिर से हम नौ बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे तो मैं स्टार्ट करके आपको बता रही हूं एक बार दो बार और इस तरह से नाइन टाइम्स हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पेटल जो है बन के रेडी हो गई है और ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा लुक आया है अब इसी तरह से हम हम यहां सेकेंड पेटल की तरफ प्रोसीड करेंगे नो सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर सेम वर्क जो हमने यहां पे किया था बिल्कुल सेम वर्क अब यहां पे भी करेंगे हम इसी तरह से सेकंड पेटल भी हम कंप्लीट करेंगे टोटल ये फ्लावर्स जो है हमारे पास या ये पेटल्स जो हैं ये सेवन बन के हमारे पास रेडी होंगे क्योंकि हमारे पास फोर्टीन लूप से और ये सेवन जो है कॉम्प्लेक्स स्टिचेस थे तो यहां पर हम सारे ये फ्लावर्स जो है बना लेंगे कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूं तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारी पेटल्स जो हैं कंप्लीट कर लिया आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्यारा वर्क लग रहा है ये जो फ्लावर्स हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है इसके बाद ये जो नीचे पैटर्न आया है ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है इनकी शेप बहुत अच्छी है इस तरह से जो शेप आई है तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारी आई है तो इस तरह से जो ड्रेस है अभी तक जितनी बनी है बहुत ही ज्यादा सुंदर बन चुकी है अब हमें यहाँ पे बॉर्डरिंग करनी है जो कि मैं डार्क पिंक कलर की ऊन से ही करूंगी तो यहाँ पे पूरी की मैं बॉर्डरिंग करूंगी तो इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देने लग जाएगा तो चलिए अब बॉर्डरिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ तो फ्रेंड्स देखिए लाइट पिंक कलर का जो धागा था वो तो मैंने कट कर दिया था अब ये डार्क पिंक कलर का धागा जो है मैं ज्वाइन कर रही हूँ कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं मैंने रेंडम कोई भी चेन उठा ली है और वहां पे मैं ये धागा जो है एड कर रही हूँ अब इसके बाद देखिए हर चेन में मुझे सिंगल क्रोशिया डालते जाना है तो इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया डालती जा रही हूं आप रिवर्स सिंगल क्रोशिया भी डाल सकते हैं जैसे कि अभी हम अपने लेफ्ट में चल रहे हैं आप चाहे तो राइट में भी ये पूरा वर्क कर सकते हैं तो वो रिवर्स सिंगल क्रोशिया होता है तो किसी तरह से भी आप बोर्डरिंग कर सकते हैं तो ये देखिए मैं बोर्डरिंग करते जा रही हूं पैटल के एंड में आपको दिखाती हूं कि कैसे करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पैटल के बीच में से शुरू किया था और एंड पे ऑलमोस्ट आ गई हूं अब देखिए मुझे कहां करना है कोई भी चेन मुझे स्किप नहीं करनी है तो यहां पे देखिए ये जो चेन है इसमें मैं डाल रही हूं और इसमें भी सिंगल क्रोशिया कर दूंगी अब नेक्स्ट पैटल में स्टार्ट हो जाएगा वर्क इसकी फर्स्ट चेन में डाल रही हूं तो इस तरह से कोई भी चेन मैं स्किप नहीं कर रही हूं आगे जो है चेन उसमें भी डाल दूंगी हर चेन में मैं सिंगल क्रोशिया करते हुए इसकी बॉर्डरिंग कंप्लीट करूंगी तो आप देख सकते हैं बॉर्डरिंग जो है बहुत ही प्यारी लग रही है इस तरह से पूरी बॉर्डरिंग करके मैं आपको दिखाती हूं तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बॉर्डरिंग जो है इसकी कंप्लीट कर ली है धागे को कट करके फिनिशिंग कर दी है उसके बाद मैंने ड्रेस को डेकोरेट कर दिया है यहाँ पे देखिए बड़े मोती लगाए और छोटे मोती से इसको मैंने डेकोरेट किया है तो बहुत ही प्यारा लुक आ गया है आप किसी और तरीके से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं और ये देखिये चोली को भी मैंने बॉर्डरिंग करके तैयार कर लिया है तो बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है इसके मैचिंग का मुकुट है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है डेकोरेशन वाइज भी बहुत ही प्यारा है तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है अगर आपको ये ड्रेस पसंद आ रही है सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी थैंक यू फ्रेंड्स राधे राधे